हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यू स्पोर्ट मैच रिव्यू। और इस वीडियो में हम प्रीव्यू करेंगे कोपा अमेरिका 2024 का मैच जो कि खेला जाएगा बिटवीन चिले एंड अर्जेंटीना के बीच में। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको देंगे बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन और आपको बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के बारे में जिससे हेल्प लेकर आप अपनी टीम बना सकते हैं। और दोस्तों ये कॉन्टेस्ट आप फैंटेसी अखाड़ा पर जरूर खेलेगा बिकॉज फैंटेसी अखाड़ा आपको देता है लोएस्ट कमीशन का ऑफर, जिसकी वजह से आपकी एंट्री फीस काफ़ी कम लगती है। जितने भी नॉर्मल का कॉन्टेस्ट हो उस पर कमीशन आपका बहुत ज़्यादा बचता है और फ्यूचर के मैचेस में आप उसे एज अ सेविंग्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो जाइए फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करिए। इसके साथ ही दोस्तों फैंटेसी अखाड़ा पर जून में चल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल। अगर आप इन स्पेसिफिक अमाउंट को डिपॉजिट करके इन सभी स्पेसिफिक सीरीज़ को खेलेंगे तो आपके पास मौका रहेगा जीरो कमीशन पाने का जून के मंथ में। सो जाइए इस फीचर का भी फायदा उठाइए, फैंटेसी अखाड़ा को डाउनलोड करिए। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। आइए दोस्तों सीधे चलते हैं देखने अपना बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन इस मैच का। सो सबसे पहले गोलकीपर से स्टार्ट करते हैं। सो क्लॉडियो ब्रावो को हमने गोलकीपर लिया है फ्रॉम चिले। डेफिनेटली काफ़ी वेटरन कीपर है, काफ़ी पुराने कीपर है। आज डेफिनेटली ज़्यादा शॉट्स फेस करेंगे। सेम स्टेडियम है जहां पर 2016 में लायनल मेसी कोपा अमेरिका फाइनल हारे थे, सेम डेट भी है। सो काफ़ी ज़्यादा अब स्टोरी लाइन है इस मैच के लिए एंड हमें लगता है कि इस बार अर्जेंटीना स्ट्रॉन्ग है। सो काफ़ी ज़्यादा टेस्ट हो सकते हैं क्लॉडियो ब्रावो। डिफेंस सेक्शन की अगर हम बात करें तो मॉरिस इस्लाम आए नंबर वन चॉइस होंगे। ये मैच जीतना पड़ेगा चिले को बिकॉज पेरू से उन्होंने ड्रॉ कर लिया था नील, तो वहीं अर्जेंटीना अपना फर्स्ट मैच जीत गई थी अगेंस्ट कैनेडा। इसलिए आपको अच्छा डिफेंसिव पॉइंट देंगे और इसके साथ साथ आपको आगे जाते हैं अच्छा ऑफेंसिव थ्रेट देंगे। अगर बाकी तीन प्लेयर्स की बात करें तो हमने कुट्टी रोमेरो, लिसांद्रो मार्टिनेस और मार्कोस अकुनिया को लिया। मार्कोस अकुनिया काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं, ऑफेंसिव थ्रेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा, क्रॉसेस बहुत अच्छे डालते हैं। अगर बाकी दोनों प्लेयर्स की बात करें तो ये दोनों मस्ट हैव, स्पेशली क्रिश्चियन रोमेरो यानी कुट्टी रोमेरो और लिसांद्रो मार्टिनेस दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं फॉर अर्जेंटीना। आप क्रिश्चियन रोमेरो को सीवीसी भी ट्राई कर सकते हैं बिकॉज इन्हें आगे जाना बहुत पसंद है, बॉल कैरी करके काफ़ी आगे तक जाते हैं, असिस्ट पोटेंशियल भी इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है। लिसांद्रो मार्टिनेस आपको पासिंग से पॉइंट देंगे, दोनों ही अच्छे टैकलर ऑफ द बॉल है। सो अगर टैकल जीतते हैं तो उसके भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स आइए चलिए देखने चलते हैं हम लोग अपना मिडफील्ड सेक्शन। मगर मिडफील्ड सेक्शन देखने से पहले हम आपको बता दें व्यू स्पोर्ट ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, व्यू स्पोर्ट ऐप ने निकाला है यूरोस 2024 का पैक जहां पर आपको ओवर 50 प्लस मैचेस की एक स्मॉल लीग और 20 ग्रैंड लीग टीम्स मिलेगी सिर्फ और सिर्फ व्यू स्पोर्ट ऐप पर। तो जाइए इस पैक को खरीदिए, इसका फ़ायदा उठाइए। और अगर जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एनुअल पैक और मंथली पैक के भी फीचर्स निकाले हैं व्यू स्पोर्ट ने। आपको जितने दिन का पैक चाहिए उतने दिन का पैक ले सकते हैं। लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स आइए चलिए देखने चलते हैं हम लोग अपना मिडफील्ड सेक्शन। सो मिडफील्ड सेक्शन की अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना से हमने अलेक्सिस मैकेलिस्टर और रोड्रिगो डी पॉल को लिया है। रोड्रिगो डी पॉल सारे सेट पीसेस ले रहे थे, डिफेंसिव वर्क रेट काफ़ी अच्छा कर रहे थे एंड अटैकिंग वाइज भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट्स आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इनके बीच 50-50 कॉल है बट हमें लगता है कि मैकेलिस्टर की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देख के उनके अटैकिंग थ्रेड को देखते हुए इन्हें लेना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा हमने मार्सिलिनियो नूनेस को लिया है फ्रॉम चिले। ये सेट पीसेस लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनके लिए, नॉर्विच सिटी के लिए खेलते हैं। चेस सेट पीसेस के साथ ही थोड़े बहुत चांसेस भी क्रिएट करते हैं, टैकल इंटरसेप्शन के भी पॉइंट्स आपको देंगे, दैट्स वाई ये प्लेयर इंपॉर्टेंट होंगे। अगर हम अपने फॉरवर्ड सेक्शन की बात करें सो मेसी को हमने लिया है, लॉटारो मार्टिनेस को हमने लिया है फ्रॉम अर्जेंटीना। मेसी हमें ज्यादा बात करने की नीड नहीं है, स्टैंड आउट कैप्टनसी चॉइस होंगे इसमें। जो लॉटारो मार्टिनेस एक्सपेक्टेड है कि इसमें जो स्ट्राइकर खेलेंगे ओवर जूलियन अल्वारेस, चांसेस तो इन्हें मिलेंगे बट क्या हुए उन चांसेस को फिनिश कर पाएंगे ये देखने वाली बात दिलचस्प होगी। डिफरेंशियल सीवीसी के भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। चिले से हमने अलेक्सिस सांचेस को लिया बिकॉज ये नंबर 10 रोल में खेलेंगे जहां पर रिसेंटली काफी थ्राइव कर रहे हैं, चांसेस वगैरह काफी क्रिएट करते हैं, शॉट्स काफी लेते हैं। लास्ट मैच में उन्होंने दो इजी चांसेस मिस भी किए थे, सो आपको आराम से ये गोल स्कोर करके दे सकते हैं अर्जेंटीना के बैकलाइन के अगेंस्ट, बिकॉज हमने फर्स्ट मैच में देखा था कि अर्जेंटीना की बैकलाइन थोड़ी हर्ट हो सकती है स्पेशली अगेंस्ट अ बेटर कॉन्मेबॉल टीम। अब फ्रेंड्स आइए चलिए हम लोग देखने चलते हैं अपने कुछ टॉप कैप्टनसी पिक्स इस मैच के। सो टॉप कैप्टनसी पिक्स की अगर हम बात करें तो हमने लायनल मेसी और लॉटारो मार्टिनेस को लिया, दोनों इंपॉर्टेंट पिक होंगे आपकी टीम के लिए। मेसी सारे चांसेस क्रिएट करते हैं, सब कुछ करते हैं अर्जेंटीना के लिए। लास्ट मैच उनके एक्सपेक्टेशन जैसा नहीं गया था बट उसके बावजूद भी इन्होंने 5 बिग चांसेस क्रिएट किए थे। सो आप देख सकते हैं मेसी कितने इन्फ्लुएंशियल है अर्जेंटीना के लिए एंड लॉटारो मार्टिनेस अगर वो चांसेस को बरी करेंगे सो वो डेफिनेटली टॉप स्कोरर फैंटेसी पॉइंट के मामले में हो सकते हैं इस मैच में, दैट्स वाई ये दोनों प्लेयर्स आपकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, अच्छे कैप्टनसी के ऑप्शन होंगे। अगर डिफरेंशियल कैप्टनसी की पिक्स की हम बात करें सो यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन
ऑप्शंस हैं। अर्जेंटीना से अगर हम लोग सबसे पहले बात करते हैं डिफरेंशियल कैप्टेंसी के लिए, तो उनके मिडफील्ड सेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके मिडफील्ड सेक्शन से आप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर ले सकते हैं, रोड्रिगो डी पॉल, एलेक्सिस मैकेलिस्टर, ये दोनों आपकी टीम के लिए अच्छे डिफरेंशियल कैप्टेंसी के ऑप्शन बन जाएंगे। क्रिश्चियन रोमेरो भी एक ऑप्शन उभर कर आते हैं बिकॉज उन्हें आगे जाना काफ़ी पसंद है, क्लीन शीट का डिसेंट नंबर ऑफ चांस है। तो ये दो तीन ऑप्शन के बीच में अपने डिफरेंशियल कैप्टेंसी रोटेट कर सकते हैं। ग्रैंड लीग पिक्स की बात करें तो हमने चिले से दो ग्रैंड लीग पिक्स लिए, एडुआर्डो वार्गास और रोड्रिगो एचेवेरिया, दोनों का रोल काफी अलग है। एडुआर्डो वार्गास मोस्ट लाइकली इनके लिए गोल स्कोरर होंगे, अगर आपको लग रहा है चिले इस मैच में गोल स्कोर करेगी सो वार्गास को आप जरूर कंसिडर करिएगा। अगर आपको लग रहा है कि चिले गोल नहीं स्कोर करेगी और आपको डिफेंसिव पॉइंट्स काफी ज्यादा चाहिए, डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर काफी चाहिए, तो आप रोड्रिगो एचेवेरिया को भी कंसिडर कर सकते हैं, जो कि डबल पिवट में खेलेंगे एंड प्योरली डिफेंसिव वर्क आपको करके देंगे, जो आपको ग्रैंड लीग में अच्छे पॉइंट्स दिला सकता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फैंटेसी प्रीव्यू फॉर द कोपा अमेरिका मैच बिटवीन चिले एंड अर्जेंटीना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा। हम आपसे मिलते हैं दोस्तों फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच। थैंक यू।